अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच एंड माई सेल्फ असद तनवीर। आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम C++ में लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर की 3 टाइप्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि हम C++ में एंड ऑपरेटर किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप एंड ऑपरेटर को यूज़ करना सीख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटर से। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज दिस। जब हम C++ में जब भी हम कोड लिखेंगे, जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल है वो आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट की Shift+7 में मिल जाएगा। जब आप कीबोर्ड से Shift+7 इंटर करेंगे तो आपको इस तरह का ऑपरेटर मिल जाएगा। इट इज़ यूज टू इवेल्युएट टू कंडीशंस। एंड ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें टू कंडीशन गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंडीशन लगाई इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ लेस देन सी, तो हम उसके लिए एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ही वो रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूस द फॉल्स रिजल्ट इफ़ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। एंड ऑपरेटर कब फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? जब एक भी कंडीशन फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक कंडीशन लगाई है ए लेस देन बी और ए लेस देन सी, अगर ए लेस देन सी या ए लेस देन बी, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो पूरा जो ब्लॉक होगा, जो पूरी कंडीशन होगी एंड ऑपरेटर की, वो फॉल्स होगी। फ्रेंड्स, अब हम एंड ऑपरेटर के टेबल को समझ लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। जब हम कंडीशन 1 लगाएंगे और कंडीशन 2 लगाएंगे, अगर 1 कंडीशन फॉल्स होगी और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अगर 1 कंडीशन फॉल्स होगी और दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो एंड के केस में दूसरी कंडीशन जो रिजल्ट आएगा उसका, वो फॉल्स होगा। और अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी और कंडीशन 2 फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी और कंडीशन 2 भी ट्रू होगी तो एंड के केस में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब कंडीशन 1 और जब कंडीशन 2 होगी तब ही जो रिजल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स ट्रू हो या ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए और डिटेल से समझते हैं कि एंड ऑपरेटर हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है। जी फ्रेंड्स, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है और क्या डिस्प्ले करना है? मैक्सिमम नंबर। हमारे पास जो प्रोग्राम है वो गिवन होगा इनपुट। इनपुट हमारे पास क्या गिवन होगी? 3 नंबर्स। तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स कोई भी ले सकते हैं, हम ए बी सी, num1, num2, num3, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हैश इनकोड लाइब्रेरी आईओस्ट्रीम का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूजिंग नेमस्पेस लिखेंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन को स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल हमारे पास क्या है? ए बी सी। यहाँ पे आप num1, num2, num3 कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट्स या कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 3 नंबर्स, तो मैक्सिमम नंबर हमने निकालना है। तो यहाँ पे आपने ए बी सी, num1, num2, num3 कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इनपुट करवाएंगे, इंटर 3 नंबर्स सी इन ए बी सी। उसके बाद जब हम इनपुट करवाएंगे, उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ कंडीशन के अंदर ही हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में क्या आएगा? ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड और एंड ऑपरेटर लगाएंगे ए इज़ लेस देन सी। अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ और ए ग्रेटर देन सी हुआ तो फिर ही इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ए ग्रेटर देन बी कंडीशन फोर्स हुई तो ये पूरा जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? सी आउट करवाएंगे, मैक्सिमम नंबर इज ए। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी हुआ, अगर ए ग्रेटर देन हुआ तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ए, ए इज़ अ मैक्सिमम नंबर। उसके बाद हम एल्स इफ पार्ट चलाएंगे। एल्स इफ पार्ट में हम क्या लिखेंगे? बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो इस पर भी कंडीशन लगाएंगे, इस पर भी हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम नंबर इज़ बी। बी क्यों आएगा? क्योंकि बी इज़ ग्रेटर देन ए और बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो B ग्रेटर होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो B ग्रेटर नहीं होगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी
तो ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा और लास्ट पे फिर एल्स पार्ट वो चल जाएगा। एल्स पार्ट में फिर सिंपली मैक्सिमम नंबर इज सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर इज ए भी लिख दिया, मैक्सिमम नंबर इज बी भी लिख दिया और लास्ट पे फिर सी ही बचता है, तो हम मैक्सिमम नंबर इज सी लिख देंगे। तो ये थी लॉजिक एंड ऑपरेटर की। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इन दोनों कंडीशंस जो हमने लगाई हैं इनका ट्रू होना लाजमी है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर उसके आगे वाली जो कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ए कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी प्रोग्राम को आपने कोड ब्लॉक पे रन करना है और इसकी आउटपुट निकालनी है। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एंड ऑपरेटर के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑपरेटर के बारे में समझेंगे कि और ऑपरेटर हम C++ में किस तरह यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।